Assalamualaikum guys, welcome back to my vlog. I am back after a very short break. अबे साले सीन कुछ ऐसे है कि ना हम लोग व्लॉग चैनल को थोड़ा चेंज कर रहे हैं. पहले वो स्कूल व्लॉग्स थे, रैंडम व्लॉग्स, अब इट्स गोना बी मोर अबाउट लाइक कार व्लॉग्स. सम ऑफ यू माइट नो मैंने नई गाड़ी ली है, होंडा सिटी 2002, तो वो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के लिए लिया है. एंड दैट्स गोना बी माय ओन कार, सो जो भी हम उस पर करना चाहें कर सकते हैं. एंड आई एम गोना मॉडिफाई इट एंड आई एम गोना बेसिकली शो यू गाइज के क्या चीज़ कहाँ से ले लेते हैं. काफ़ी लोगों का शौक होता है बट दे डोंट नो वेयर टू बाय इट थिंग्स फ्रॉम और सस्ती कहाँ से मिलेंगी. सो आई एम गोना गाइज शो यू गाइज एवरीथिंग, सो कम अलॉन्ग ऑन दिस जर्नी विद मी. सो यस, हियर वी आर, दिस इज़ माई कार, सी 2002. मैंने कुछ चीज़ें पहली करा ली हैं, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ. इसके मैंने रिम एलॉय रिम्स इसके साथ पहले आए थे, तो मैंने इसको क्या कहते हैं ब्लैक पेंट किया है. ये हुआ है पेंट जे रोड से. वर्कशॉप का नाम मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा. एंड दिस कॉस्ट मी अबाउट 4000 रुपीज़ चार रिम्स के. उसके बाद जो हमने क्या किया है वो ये स्क्रीन काली करवाई है, समझ रहे हो. देखें छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी गाड़ी की जो है शक्ल पूरी बदल देती हैं. ये स्क्रीन मुझे मिली थी मेन बुलेवार्ड पे है, फिल्टर हाउस के पीछे दुकान है, उसके मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता दूंगा. दिस कॉस्ट मी अबाउट 1400 रुपीज़. फिर ये एक छोटा सा स्पॉइलर लगाया, ज़्यादा ऊंचा नहीं लगाया, वो हमें पसंद नहीं है, थोड़ा सा उठा हुआ है. एक और सिंपल चीज़ है गाड़ी के लोग बदल देती हैं. यहाँ पे मैंने काला जो है स्मूथ पेपर लगवाया. दिस कॉस्ट मी 200 रुपीज़ मोमा ऑटोमार्ट से एच ब्लॉक. और अब हम क्या कहते हैं जा रहे हैं इसकी फ्रंट लाइटें गाड़ी करानी. और एक और चीज़ गाड़ी के वो चेंज करवानी है, वो ये कि जो इसके आप देख सकते हैं साइड और फ्रंट इंडिकेटर जो है ना, ये स्टिल हो जाएंगे, चलेंगे नहीं. स्टिल हो गए तो चलेंगे नहीं, लेकिन गाड़ी की लुक बदल जाती है. आप लोगों को दिखा दूँ बड़े शशके मैनुअल के मसले, इट्स ओके. ये है हमारे दोस्त जिनसे मैं अपनी लाइटें कराने गया हूँ, बैक शीशा टेंट कराया. ये अपना नाम बता दें आपने. चले शुक्रिया, आपके पास अब बहुत बंदा आएगा, सही है ना, सारे इनके पास आके काम कराना है. आप लोगों ने मेरा आप लोग नाम लगाएंगे तो आप लोगों को कोड, मेरा कोड लगेंगे तो 70% ऑफ मिलेगा, ठीक है. मजाक करूँगा, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, ये पाकिस्तान है, खुदा का खौफ करो. काम जारी है गाइस, लाइट्स इंडिकेटर, ये भाई सही लग रहे हैं यार, ये बड़ी जोर से काम कर रहे हैं. देखो और मेरी लाइट ही निकाल रही गाइस. गाड़ी घर आ चुकी है और सारा काम हो गया. आप लोगों को दिखाते हैं, पहले तो ये लाइटें हो गई हैं काली और दूसरा इंडिकेटर का वो, ये देखिए ये चलती हैं दोनों पार्किंग लाइट्स के साथ. अब हम मम्मा से पूछेंगे कि है ना, माँ काफ़ी देर का यहाँ पर रुका है, उनसे पूछने के लिए. अब मम्मा बताएंगी कि आपकी क्या राय है, कैसी लग रही है. बहुत अच्छी लग रही है. अब बाकी काम के पैसे आप दे दें. अरे कहना क्या चाहते हो. अब मैं आप लोगों को बाइक की गाड़ी दिखाता हूँ, वो बेहतर है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह. ये बाइक की गाड़ी और इसे लकड़िया से हम पूछेंगे अब गाड़ी के बारे में. भाई है अस्सलामुअलैकुम. अच्छा, इस गाड़ी के साथ मैंने अभी बेसिक काम करवाए हैं. ये गाड़ी लोअर्ड है, लोअरिंग स्प्रिंग्स पे. अच्छा, स्टॉक शॉक्स पे है. अच्छा, बाकी किटिंग इसकी सारी फाइबर में हुई भी है. सही. जो बैक किट है वो CF की है और साइड स्कर्ट इसकी रैंडम कोई पसंद नहीं थी तो वो साथ लगवा लेंगे. अच्छा, अच्छा उसके अलावा इसके बैक पे आ जाएँ तो एग्जॉस्ट इसको ओरिजिनल HKS का लगा हुआ है. सही, इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है भाई, गाड़ी में बैठो गूंजती है इसकी आवाज़. रिम्स जो हैं ये वर्क्स S1 है. अच्छा, इसमें और इसके स्पेक्स हैं ये 7.5 JJ 15 इंच और 20 ऑफसेट. यार मैं ना असल में अपने क्या कहते हैं ये सबको ना साथ साथ प्राइसेस भी बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ रिम्स की प्राइस और ये एग्जॉस्ट की प्राइस बता दें. बता दें कहाँ से लेने होंगे. तब मुझे ये रिम्स 38,000 के पड़े थे सेट. बस काबली रिम्स हैं, ब्रांड न्यू जो चाइनीज वाले आ रहे हैं वो इससे काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं. अच्छा, इसके अलावा ये योकोहामा के ब्लू अर्थ GT टायर्स हैं जापानी, ये मुझे रिम से महंगे पड़े थे. ये टायर्स मुझे 48,000 के पड़े थे सेट. उसके अलावा जो एग्जॉस्ट है इसका वो था 5,000 का. ओह, चार साल पहले. अब मैंने क्या कहते हैं अपने लिए देख रहा हूँ तो क्या कहते हैं भाई 25-25 तक चला गया है, 5 times बढ़ गई है प्राइस.
अच्छा बाकी बॉडी फिटिंग पे इसका तकरीबन मेरा 12,000 का खर्चा आया था। अच्छा ये ठीक है, स्पेशलिटी वो दिखा दे प्लीज। यस, इसका साउंड सिस्टम पे मेरा काफ़ी खर्चा हो गया, तो साउंड सिस्टम में मैंने यहाँ पे ये पायनियर का सबवूफर है, MDF इंक्लोजर, LG इंक्लोजर नया लिया है, और ये चल रहा है Kenwood के मोनो एम्पलीफायर में। अगर आप कैमरा वो पीछे पॉइंट करें तो आपको नजर आएगा भाई। बाकी स्पीकर सिस्टम है, JVC के ओरिजिनल स्पीकर्स लगे हुए हैं। अच्छा, फ्रंट पे कोई चाइनीज स्पीकर्स हैं लेकिन ट्वीटर्स साथ सेपरेट हैं, और उसका भी एम्पलीफायर अंदर सीट के नीचे है। अच्छा, बाकी नाकामिची का प्री इसके लिए इम्पोर्ट करवाया था कनाडा से। अबे क्या बोली जा रहे हो, क्या नाकामिची, बस कॉन्स्टेंट डिपर्स है हमारे, मारने की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि हमारे ये तो चलते नहीं है, मैंने भी बता दिया, मेरा भी नहीं चलता अभी। खैर गाइज, यहाँ पे मैं व्लॉग एंड करूँगा, ये मेरा भाई है, आपने शायद देखा, क्या कहते हैं, ये इंट्रोडक्शन व्लॉग था जिसमें मैंने आपको बताया है कि क्या कहते हैं अब मेरा व्लॉग चैनल जो है किस बारे में होगा। एंड सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम हम और ज़रा चीज़ें करेंगे गाड़ी की, और मैं आप लोगों को सब कुछ साथ दिखाऊँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब। भाई जान किधर, सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, पिछले व्लॉग में देखे 21K व्यूज़, सब्सक्राइबर्स देखो यार, शर्म आती है लोगों को बताते हुए। Subscribe, please. Love.